हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ एजे। आज हम देखने वाले है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्पेशलाइज्ड क्लाउड मैकेनिज्म। इसके अंदर जो लास्ट वाला सेशन हमारा बाकी था वो हम कवर करेंगे। सो प्रीवियसली हमने देखा था डिफरेंट मैकेनिज्म्स के 9 टाइप्स का मैकेनिज्म हमारे कवर हो चुके। आज हम देखने वाले हमें लास्ट, दैट इज द स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस। सो इन द स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस, बेसिकली आप सभी को डेटाबेस क्या है उसका कंसेप्ट पता होगा, तो वो हम कंसीडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो इन अ स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस क्या है, इट इज एन स्टोरेज डिवाइस दैट यूज टू स्टोर अ टेम्पररी परसिस्टेंट स्टेट ऑफ डेटा फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा हम कुछ करने वाले, सिंपल जो आपका सॉफ्टवेयर होगा या कोई एप्लीकेशन होगा जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और डेटा को होल्ड कर रहा है। तो प्रीवियसली क्या होता था कि जब तक एक्टिविटी स्टार्ट टू एंड नहीं होती तब तक स्पेसिफिकली जो प्रोसीजर होगा या प्रोसेसर होगा वो डेटा होल्ड करके रखता था। तो क्लाउड के ऊपर क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होगा तो उस क्या करेगा, जब भी आपकी प्रोसेस होल्ड पे चली जाएगी, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस क्या करेगा, एक पॉज मोमेंट के ऊपर वो डेटा स्टोर कर देगा, ओके, अलग से करेगा। इन द सेंस जो एक्टिवली जो रन है या ब्लॉकेज है आपका डेटा का वो यहाँ पे नहीं होने वाला। द स्टेट मैनेजमेंट डेटाबेस आर कॉमनली यूज टू अ क्लाउड सर्विस एंड स्पेशली जो अ लॉन्ग रनिंग रन टाइम एक्टिविटी, जितने भी नंबर्स ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे वो स्मूथली परफॉर्म हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं कंसेप्ट को। तो ड्यूरिंग अ लाइफ स्पैन ऑफ ए क्लाउड सर्विस, नॉर्मल एक लाइफ स्पैन ऑफ एक स्पेसिफिक एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करें, एक नॉर्मल आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जैसे कि प्री इनोकेशन इन द सेंस एग्जीक्यूशन के पहले जो एक्टिव है बट स्टेटलेस कि उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं है। इन सेकेंड स्टेट इज बींग अ पार्टिसिपेट ऑफ एन एक्टिविटी, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी हमने स्टार्ट कर दिए, उस एक्टिविटी के अंदर जो स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज एक्टिव टू स्टेटफुल। ओके, इन द सेंस वो एक्टिव भी है प्लस उसके अंदर स्टेटफुल इन द सेंस कोई डेटा हमने होल्ड करके रखा है। देन नेक्स्ट नंबर्स ऑफ ऑपरेशन हम उसके अंदर परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे या कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे तो उस मोमेंट ऑफ टाइम आपकी जो एक्टिविटी वो पॉज स्टेट में चली जाएगी, जैसे कि हम उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे। बट लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी एक्टिविटी है एंड जो डेटा है होल्ड करके रखा है, बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी वजह से जो बाकी के डेटा आ रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ब्लॉकेज हो रहा है, कि इसकी वजह से आपकी जो सर्वर है या सर्विस है वो स्लो डाउन हो सकती है। सो देन नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी टास्क पर कंप्लीट हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली उसको एंड करना पड़ेगा। सो एंड करते समय, ओके, एंड ऑफ मोमेंट हमें क्या होगा, वो एक्टिव एंड स्टेटफुल रहेगा। एंड आफ्टर एंड पोस्ट इनोकेशन क्या हो जाएगा, अगेन वो एम्प्टी हो जाएगा, इन द सेंस डेटा ब्लैंक हो जाएगा, इन द सेंस स्टेटलेस में चला जाएगा। ओके, सो जो सेंटर का पार्ट था पॉज पार्टिसिपेट इन एक्टिविटी, इस जो मूवमेंट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, इन द सेंस इफ आपकी जो प्रोसेस है वो आपने होल्ड पे रखी या पॉज कर दिए, उस मोमेंट ऑफ टाइम आपके बैंडविड्थ सेव करनी है, हमें बैंडविड्थ कंज्यूम जो हो रहा है उसको सेव करना है। तो सिंपली उसके लिए हमने क्या किया, एक थर्ड रोज इसके अंदर ऐड कर दिया, दैट इज द स्टेट रिपोजिटरी। ओके, इन अ स्टेट रिपोजिटरी क्या करेगा, रिप्रेजेंट और स्टोर अ डेटा। सो इन अ स्टेट रिपोजिटरी बाय अ स्टेट डेटा टू अ स्टेट रिपोजिटरी द क्लाउड सर्विस इज एबल टू ट्रांसमिट अ स्टेटलेस कंडीशन देयर by a temporary filling system resources, कि जो temporary जो data fill करेगा, जो resources use करे इसके अंदर उसको free रखने के लिए। okay, in the sense first आपका जो before the
एनी एक्टिविटी परफॉर्म, हम क्या कर रहे हैं उसको फ्री रखें, अगेन उसके ऊपर जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उस मोमेंट ऑफ टाइम उसको होल डेटा फिल करेंगे, अगेन इफ आपकी जो एक्टिविटी है बिफोर एंड जो आप इसको पॉज मोमेंट पे रखते हो तो अगेन वो क्या करेगी फ्री हो जाएगी, जो बैंडविड्थ है यहाँ पे फ्री हो जाएगी ना इजिली, जो बाकी के यूजर्स है या कैचे मेमोरी यहाँ पे फ्री हो रही है तो बाकी के यूजर्स उसको यूज कर सकते हैं। देन अगेन इफ आप उसको एंड करना चाहते हैं उस मोमेंट ऑफ टाइम अगेन जो भी डेटा होगा डेटाबेस से लेंगे एंड उसका जो एंड प्रोसेस परफॉर्म करेंगे डेटा क्लियर हो जाएगा आफ्टर द पोस्ट इनवोकेशन। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।